हाँ मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और अब हम स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 से। तो इस चैप्टर का नाम रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर आप मूल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मूल देखेंगे, फिर उसके बाद स्टोइचोमेट्री देखेंगे, फिर स्टोइचोमेट्री की एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशंस देखेंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और 11th क्लास में अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग है तो आपको लगेगा फिजिकल आपकी बहुत बिंदास है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इसको ढंग से देखिएगा। तो शुरू करते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। तो हेडिंग डाल लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया हम बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, मोल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, और एक आउटलुक देखना चाहते हैं हम पूरे ही केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई आप देख क्या रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर को हम सबसे पहले यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टेट ऑफ मैटर, ये टेबल टाइप आप बनाइएगा मेरे साथ, यानी आपको इसमें मैं बताऊंगा पूरा मैटर किस तरह से, मैं बेसिक बेसिक मोटा मोटा क्लासिफिकेशंस कर रहा हूँ। तो चलिए, स्टेट ऑफ मैटर आपके पास हो गया। स्टेट ऑफ मैटर को मैं सबसे पहले क्लासिफाई करना चाहूँगा किस तरह से, और वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल लिखिए इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा यहाँ आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए इसको, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप मैटर को डिफाइन कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, और अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी हम देखेंगे, और केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है आप खुद ही देखिए, कोई मैटर आपको दिखता कैसा है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आपके कहाँ देखने को मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं क्लासीफाई करना चाहता हूँ मैटर को अपने किस तरह से। तो यहां हमारे पास मोटा मोटा अगर हम बात करें तो तीन तरह की, यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सेकेंड स्टेट पे हमारे पास लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और एक और स्टेट है, और वो है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, क्या नॉलेज होगा, देखो सॉलिड देखने में पता चल जाता है हार्ड होते हैं, लिक्विड फ्लो करते, गैस दिखाई नहीं दे रही होती है हमारे को लेकिन वो आराम से मूव कर रही होती है। चलिए थोड़ा सा आइडिया, आइस क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड, और वेपर क्या है, गैस में आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आप बहुत ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, सॉलिड को सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट को फिर फर्दर क्लासिफाइड करेंगे हम, आइडियल गैस, रियल गैस, यानी देखा जाए ना तो ये एक तरफ से फिजिकल का एक बहुत बड़ा पार्ट आ गया। सॉलिड स्टेट अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, लिक्विड स्टेट अपने आप में पूरा चैप्टर है, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें तो और भी स्टेट्स मालूम है, लेकिन हम नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो कितना हुआ डिफाइंड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इज दैट क्लियर। अगला पार्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए स्टेट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम क्लासिफाई करना चाहेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मिक्सचर, क्या बोलूंगा, मिक्सचर, और क्या बोलूंगा, प्योर सब्सटेंस। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, मिक्सचर एंड प्योर। तो ये मैंने लिया प्योर सब्सटेंस और यहां मैंने ले लिया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है समझते हैं आप, सेम एक ही तरह का आपको सब कुछ दिखाई दे, एक ही तरह के पार्टिकल हो तो आपके पास क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस। यानी डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कैसे करेंगे, आप अगर प्योर सब्सटेंस को करना चाहते हैं तो आपके पास फिर क्लासिफिकेशंस हो रहा है किस तरह से, देख रहे हैं आप यहाँ पर दो तरह से हम बात करेंगे, एक हो जाएगा हमारे पास इस जगह
एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड। क्या हो जाएगा? एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड। अब आप बताइए एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि हाइड्रोजन आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, जबकि H2O क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास? सिंपल सा लॉजिक अगर हम बात करें तो एलिमेंट का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, और कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा तरह के एटम्स, यानी एटम है। ध्यान से सुनिएगा, H2O, H2O में दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो एलिमेंट को भी हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे मेटल, लिख लीजिए मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कंपाउंड्स हमारे पास होंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हमारे पास बहुत आसानी से हो गया मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेटल वो होते हैं सिंपल सा जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं आयरन को देख लो, आपको आयरन देखते ही आपको क्या फील आएगा? मेटल है। और नॉन मेटल, अरे बहुत सारे यार जो नॉन मेटल है, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब नॉन मेटल है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा हाथ है मेरा, ये इस तरफ राइट हैंड साइड में, वो सारे हमारे लिए कौन से हो जाएंगे? नॉन मेटल। और जो हमारे लेफ्ट साइड में हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? मेटल। जितने भी आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी ज्वेलरीज आप देखते हैं, ये सब किसकी बनी है? मेटल्स की, हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल बीच वाले, यानी स्टार्टिंग एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक्स। तो जैसे आपके पास क्या हो जाएगा? गैलियम, इस तरह का जर्मेनियम वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिस्ट आएगी। तो ये सब मेटलॉइड्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और मेटल नॉन मेटल के बीच की देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए आप मेरे को बताइए कि सोडियम क्या है? बिल्कुल सही, मेटल। जिंक क्या है? मेटल। कॉपर क्या है? मेटल। समझ में आ रहा है? अब इधर आ जाइए, सेकेंड कार्बन क्या है? जल्दी से बोलो, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल। हैलोजन्स नॉन मेटल्स। इनर्ट गैसेस नॉन मेटल। ये सब आपके लिए क्या है? नॉन मेटल्स है। अब मेटलॉइड की बात करते हैं, तो जितना आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे बहुत सारी, एक स्टेप वाइज हमारे को सीढ़ी तरह से दिखता है कि स्टेप्स के अंदर फॉर्मेट में दिखता है मेटलॉइड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो बस वहीं से हमारे को मेटलॉइड्स के बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर मैंने पहले ही बोल दिया एक से ज्यादा एटम दिखेंगे। CO2 क्या है? कंपाउंड है। NO2 क्या है? कंपाउंड है। अब यहां पर बात आती है कि जो और कंपाउंड है उसमें कार्बन है या नहीं है। अगर कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है तो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोल सकते हैं। जैसे सिंपल से CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH एल्कोहल, देखा तो होगा, अच्छा नहीं देखा, चलो तो वो भी क्या है हमारे लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि कार्बन है। बेंजीन, टोलुइन, नेप्थालीन, दुनिया भर के कॉमन नेम्स हमारे पास आ रहे, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड H2O, SO2, H2SO4, HNO3, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें कार्बन होगा ही नहीं, उसे हम कहां पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब बात आती है मिक्सचर। मिक्सचर को कैसे देखते हो आप? मिक्सचर को देखो, मिक्सचर के अंदर अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे तो हमारे पास दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक हो जाएगा हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, होमो का मतलब देखो ऐसे समझ लो, पानी में नमक डाला, होमोजीनियस। पानी में नमक नहीं डाला, रेत डाली, सिलिकेट डाला, बाहर से मिट्टी उठा के डाल दी, क्या बनेगा? हिट्रोजीनियस। होमो में सारा जो पार्टिकल है वो सब जगह इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट होता है, या कॉन्ट्रीब्यूट क्या बोले आप, डिजोल्व होता है, कंसंट्रेशन सब जगह सेम होती है, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो मत लिखो, सभी जानते हैं, फिर भी लिखना चाहते हो लिख लो। होमोजीनियस इज द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर इक्वल इन ऑल पार्ट ऑफ द मिक्सचर, वेयर एज इन केस ऑफ हिट्रोजीनियस द कंपोजिशन एट डिफरेंट पोजिशन इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस वेन सिंपल वेन सेंट सेंट पार्टिकल ड्रॉप इन वाटर, देन वॉट यू विल गेट? यू विल गेट दैट सेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बॉटम ऑफ द पॉट। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स दैट द मिक्सचर
डज नॉट हैव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इक्वल कंपोजिशन, सो इट्स ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम वापस बात करते हैं, होमोजीनियस को हम एक और नाम देना चाहते हैं और वो नाम है सॉल्यूशंस, वेयर हिट्रोजीनियस का कोई और नाम नहीं है तो इसको मिक्सचर ही बोलने दो, हिट्रोजीनियस मिक्सचर ही चलने दो। आ रही है बात समझ में? तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन बोलने से हमें ये पता चल जाता है दैट गिवन मिक्सचर इज द होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक टेबल बन रहा है, जल्दी से इसको लिखें फास्ट। हम बात कर रहे हैं मोल के पार्ट की फर्स्ट, यानी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मोल किस तरह से स्टार्ट हुआ था। देखिए, मान के चलिए कि आज जो हम मोल देख रहे हैं, क्या शुरुआत में ऐसा होगा? नहीं। तो जब मोल नहीं था तो हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करते थे कि प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनेगा? उसके लिए पुराने रूल हैं, आज उनकी भले ही हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार तो हम उसको देखेंगे किस तरह से। तो इनको हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप बहुत अच्छा से, लॉ ऑफ केमिकल केमिकल कंपोजिशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल्स, और लास्ट में वॉल्यूम रूल्स, यानी लॉ ऑफ गैलुसेक्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास आएगा कंसेप्ट, वो आएगा यहां पर नंबर वन पर आएगा, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, कंजर्वेशंस ऑफ मास, ऑफ मास। देखिए, कंजर्वेशंस का मतलब आपको शुरू में ही बता देना चाहिए। कंजर्वेशंस का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना प्रोड्यूस होती है, यानी ऑल द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड कंजर्वेशंस प्रॉपर्टीज। और मास भी उनमें से एक है, एनर्जी दूसरी है, और चार्ज तीसरी है, मोमेंटम चौथी है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मास कंजर्वेशन से, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू टोटल प्रोड्यूस प्रोडक्ट मास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे डेफिनेशंस की फॉर्मेट में लिखेंगे? लिखिए फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशंस क्या रहेगा, इन द केमिकल रिएक्शंस, इन द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल कन्वर्जन हो रहा है उसे हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इन द केमिकल रिएक्शंस टोटल रिएक्टेड मास, टोटल रिएक्टेड मास ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू टोटल प्रोड्यूस मास, प्रोड्यूस्ड मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये बात कहलाती है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था? लेवोइजर ने। तो लिख लीजिए किसने दिया था ये बात, लेवोइजर। मुझसे पहले पैदा हो गया, नहीं तो सब मैं ही देता हूं। तो ठीक है, आई यहां पर एक और आई आएगा लेवोइजर। तो इसने क्या बताया कि भाई मास इज ए कंजर्वेशन क्वांटिटी, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस, एंड इन एनी केमिकल रिएक्शंस टोटल रिएक्टेड मास इक्वल टू टोटल प्रोड्यूस मास। तो अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो मैं बहुत ईजी वाली रिएक्शन देखना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर H2+ ½O2। आप बहुत आराम से लिखते हैं और क्या बनाते हैं, H2O। देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सपोज 2 ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पर 8 ग्राम है, कितना है 8 ग्राम है। तो जो भी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो देखिए ध्यान से हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास सपोज 2 ग्राम है, हम बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पर ½O2, बिल्कुल सही है।
और हाफ O2 का मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो हमारे पास H2O कितना बनेगा, 18 ग्राम। क्या रियल में भी ऐसा देखने को मिलता है? हाँ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, टोटल रिएक्टेड मास जो कि आपको 2 + 18 दिख रहा है, कितना होता है ये, 2 + 8 16 दिख रहा है, वो कितना हो गया, 18। और ये भी हमारे पास कितना है, 18। तो क्या ये दोनों मास बराबर है? हाँ, ये दोनों मास हमारे पास बराबर है। इसका मतलब टोटल रिएक्टेड मास इक्वल टू टोटल प्रोड्यूस मास के बराबर होगा। एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। मान लीजिए ये N2 है और ये थ्राइस H2 अमोनिया बना रहे हैं। काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, आप सब थोड़ा बहुत जानते ही हैं। 28 ग्राम और ये 6 ग्राम, कितना हुआ आपके पास यहाँ पर, 34 ग्राम। और अमोनिया आपके पास 34 ग्राम ही बनेगा। चलिए आप कहेंगे सर इसकी हमें क्या ज़रूरत थी, ये तो हमें पहले से ही मालूम है कि ऐसा होगा। नहीं, पहले नहीं मालूम था, पहले आपको कुछ भी नहीं मालूम था, आपको सिर्फ इतना आइडिया था कि हाँ अमोनिया होती है। क्या उनके एटॉमिक वेट या मोलर मास मालूम थे उस समय? नहीं, ये बहुत पहले की बात है। तो हम हर चीज़ सिर्फ इस कंसेप्ट से पढ़ लेते हैं कि जितना आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया और वो पूरी तरह से कंज्यूम हुआ है, पूरी तरह से होना जरूरी है। तो सपोज इसका एक्स ग्राम है, इसका वाई ग्राम है, तो टोटल जब कंज्यूम होके प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक्स प्लस वाई के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे सिंपल सा है, आप मिठाई भी बनाते हैं, आप गुलाब जामुन बनाते हैं घर में, मैदा और शक्कर और आप क्या मावा डालते हैं, तीन चीज़ें, मान लीजिए सब एक्स वाई जेड ग्राम में मिलाया, तो टोटल कितनी आपके पास मिठाई यानी स्वीट बन के तैयार होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्राम, यस और नो? तो यहाँ आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा रूल लगा रहे हो आप, मास कंजर्वेशन से। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सबसे पहला रूल था जो आया, जिसने हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया। ऐसे ही एक जब एक रूल आ जाता है तो एक एक करके बहुत सारे रूल इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए, बहुत सारे रूल्स में और कौन सा रूल है, हम अगला पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनल, जिसको हम डेफिनेट प्रपोर्शनल भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं हम। सेकेंड रूल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशंस या लॉ ऑफ, हम बोलेंगे यहां पर डेफिनेट प्रपोर्शनल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शनल, डेफिनेट प्रपोर्शनल, इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ये क्या बताता है कि देखिए जब वाटर बन रहा है H2+, देखिए वाटर बन रहा है H2O, फॉर्मूला आपको मालूम है H2O, तो हम जब इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं तो उनका जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो सेम रहेगा। आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए, जब शुरुआत था, जब हम ज़्यादा नहीं जानते तो हम पता है क्या सोचते थे, हम ये सोचते थे कि भाई ये जो वाटर है ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है, सी वाटर अलग होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी अलग होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग होती होगी, या जो आपके पास पूल वाटर है, या आपके पास कहीं पे भी वाटर है, रिवर वाटर है या रेन वाटर है, इन सब में कंपोजिशन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग टेस्ट आता था। लेकिन जब साइंस डेवलप हुई तो पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्ट अलग अलग इसलिए नहीं आ रहा कि उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग अलग है, ये टेस्ट उनमें डिजॉल्व जो इम्प्यूरिटीज हैं उसकी वजह से है, जबकि इनका कंपोजिशन क्या है, सेम है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको ऐसे समझिए आप कि इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, द कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज फिक्स्ड एंड इट इंडिपेंडेंट ऑन सोर्स ऑफ इट। तो लिखिए डेफिनेशंस, क्या लिख रहा है ये, द कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इन कंपाउंड, इन कंपाउंड, द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड के साथ एक वर्ड और होना चाहिए, द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन स्पेसिफिक कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड इज फिक्स्ड एंड इट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन ऑन
सोर्स ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल हम H2O ले रहे हैं, कौन सा H2O ले रहे हैं, रिवर वाटर, और एक और H2O ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, सी वाटर. दोनों हमारे पास वाटर हैं और दोनों में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हमने अलग अलग सैंपल ले लिए, लेकिन अगर हम कितना ही ले लें, कितनी ही क्वांटिटी में ले लें, यहाँ हमारे पास सपोज 2x मास आता है, 2x ग्राम अगर हमें आता है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, उसी के रेशियो में 16x हमारे पास मिलेगा ये. ठीक है, बहुत अच्छा. और हमने यहाँ क्वांटिटी सी वाटर की ज़्यादा ले ली है, वाई ग्राम ले रखी है, और वाई की वैल्यू एक्स से ज़्यादा है, खैर उससे कोई फर्क नहीं है, तो हमें यहाँ पर 2y ग्राम मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 16y ग्राम मिलेगा. तो आपको क्वांटिटी भी उसी रेशियो में मिल रही है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए रेशियो वाइज तो आपको क्या रेशियो मिल रहा है, 1:8, और यहाँ रेशियो क्या मिलेगा आपको, 1:8. यही हमारे लिए लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस कहलाता है, और सेकेंड नंबर का लॉ है, और इसके अंदर क्या डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हो, डेफिनेट प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, जो कि आसान भाषा में यही समझा रहा है भाई, आपका कंपाउंड अगर स्पेसिफिक फिक्स कर दिया, कंपाउंड मत चेंज करना, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक डाला है, कंपाउंड वही है तो सोर्स उसका कुछ भी हो वही आपको कंपोजिशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जो गैस CO2 है हम निकाल रहे हैं ब्रिथ में, वही CO2 अगर किसी के कम्बशन से बन रही है तो कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन सेम रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई है. तो यहाँ इस पॉइंट्स को आप लिखें जल्दी. हाँ तो मित्रों हमने अभी दो अलग नियम पढ़े, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और क्या पढ़ा जल्दी से बोलो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो इन दोनों ही रूल पे मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये देखते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट जिसमें क्या दिया गया है, इसको एक बार रीड करिए और लिखिए अपने नोट्स में. इस 15.9 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड वेइंग 20.0 ग्राम. द टू सब्सटेंस रिएक्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द एटमोसफियर. आफ्टर द रिएक्शन द कंटेंट्स ऑफ द रिएक्शन वेसल वेट 29.3 ग्राम. वट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन. कहने का मतलब ये कि आपको एक तरह से यहाँ दिया गया है और उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3. दूसरा हमारे पास दिया है एसिड है, और वो एसिडिक कौन सा है, एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH. जब आप एसिड है और एक बेस है, जब आप इनको मिला रहे हो तो आपके पास सॉल्ट बन रहा है और साथ ही CO2 गैस भी निकलती हुई दे रही है. तो आपके पास जो भी सॉल्ट बन रहा है, आपने सॉल्ट लिख दिया प्लस वाटर लिख दिया प्लस कुछ अमाउंट CO2 का भी बन रहा है. तो ये जो CO2 बन रहा है इसका वेट पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. हम कौन सा लगाएंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. तो हेड यहां लिख लीजिए, बाय लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन कितना मास है Na2CO3 का, देखिए Na2CO3 का मास है 10, 15.9 ग्राम, एसिडिक एसिड का 20.0 ग्राम. तो रिएक्टेंट मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास, यही आपने पढ़ा है, रिएक्टेंट या रिएक्टेड, रिएक्टेड मास इज इक्वल टू प्रोड्यूस मास. तो बताइए रिएक्टेड मास कितना है, एक है आपके पास 15.9, दूसरा है आपके पास 20, रिमाइंडर मास आपके पास सॉल्ट और वाटर का जो मिक्स मास दिया गया है वो है 29.3. तो और मान लीजिए WCO2 ये है, तो क्या आप इस इक्वेशन से WCO2 निकाल देंगे, दिस प्लस दिस यानी आपके पास हो गया 35.9, 29.3, तो WCO2 क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बोलो, 6.6 ग्राम, यही आपको दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर भी होगा. अब आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम और टू डिफरेंट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरिन. फ्रॉम दिस रिजल्ट डिसाइड वेदर द टू सैंपल्स आर फॉर्म सेम और डिफरेंट कंपाउंड. ऑल्सो स्टेट द लॉ विच विल
बी ऑर्बिट बाय द गिवन सैंपल्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी आपको यहाँ बताना है कुछ रूल को फॉलो कर रहे हैं, अभी वैसे ही दो पढ़े, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट या कॉन्स्टेंट कंपोजिशंस। तो ये जो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन है वो उसी का होगा, फिर भी करना तो जरूरी है। तो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे हम ये देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या है। जब हम रेशियो कंपाउंड ए की बात कर रहे हैं जिसमें दिया गया है, ये कंपाउंड के अंदर फास्फोरस का अमाउंट है, ये क्लोरीन का है, कंपाउंड कहाँ है आपके पास, कंपाउंड ये है, यानी ये टेबल कुछ इस तरह की है आपके पास। चलिए ठीक है, ये टेबल बना दिया। तो कंपाउंड ए के अंदर आप बताइए डब्ल्यू पी यानी फास्फोरस और डब्ल्यू सी एल का क्या रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका डिवाइड मैंने यहाँ करा तो ये मेरे पास आया 0.2911:1, आ जाने दो। ऐसे ही अगर यही रेशियो में नीचे भी आता है तो इसका मतलब 100% ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और दूसरा जगह मैंने डिवाइड किया तो मुझे जो रेशियो मिल रहा है वो वहाँ पर भी 2.2911:1 मिल रहा है, यानी दोनों जगह सेम रेशियो मिल रहा है, यानी कि डेफिनेट यही है हमारा कौन सा, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे, क्या डेफिनेशंस लिखेंगे डिक्टेशंस में, बोथ द कंपाउंड हैव सेम रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट सो इट शो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशंस रूल, लिखिए इसको। देखिए हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में दो रूल पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सही है, मास कंजर्वेशन फॉलो करता है, वो तो यूनिवर्सली रूल था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल या कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, इस ये एक तरह से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए लग रहा था, जैसे सिर्फ सीओ टू के लिए लगता था तो सी और ओ को देखना होता था, एच टू ओ में एच और ओ को देखना होता था, एंड नाइट्रोजन के अंदर देखा जाता तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखना होता था, यानी आपको कंपाउंड स्पेसिफिक करना पड़ता था, यानी एलिमेंट भी स्पेसिफिक हो गए कंपाउंड भी स्पेसिफिक हो गए। लेकिन हमारे को जरूरत आई ऐसे कंपाउंड्स की जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स हैं लेकिन कंपाउंड अलग अलग हैं। नहीं समझ में आया, समझिए, जैसे एलिमेंट मैंने ले लिया कार्बन ऑक्सीजन, तो अब मैं कंपाउंड क्या लेना चाहता हूँ, सीओ टू सीओ, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ले सकता हूँ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तो बहुत सारे कंपाउंड है, एनओ N2O N2O3 N2O4 N2O5, तो यानी एलिमेंट आपने फिक्स कर रखे हैं लेकिन कंपाउंड अलग अलग बन रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें रूल की आवश्यकता थी क्या। तो उस रूल को किसने दिया, उस रूल को लिया डॉल्टन ने, और नाम क्या रखा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल बेसिक रूल था, क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म टू और मोर कंपाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो देन मास ऑफ वन कंपाउंड इज फिक्स देन अदर मास प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो, यानी इसको आसान भाषा में बोलें तो कैसे बोलेंगे हम, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड्स विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड्स विद द कॉन्स्टेंट ऑफ द अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अदर। नहीं समझ में आया, फिर समझो, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये, तो चलिए मैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एलिमेंट ले लिया, फिक्स कर लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपके पास कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप देखिए इसको, सही है, कंपाउंड आपके पास आ रहा है सबसे पहले N2O। बताइए N2O के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है, जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन का मास 28, ऑक्सीजन का 16। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इस जगह एनओ, नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन 16। थर्ड नंबर पे ले रहा हूं मैं N2O3, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, बिल्कुल सही जा रहे हो। N2O4, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसके लिए लगेगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन हमारे पास कितना होगा, 16 चौक 64, फिर N2O5 28, और यहाँ कितना हो जाएगा 80। तो ये हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हमने ले लिए, ठीक है,
आपकी टेबल तैयार हो गई। अब रूल को ध्यान से पढ़ते हुए देखिए कि अगर आप एक का मास फिक्स कर देंगे तो दूसरे का मास जो होगा, यानी सेकेंड एलिमेंट का मास जो होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा। क्या ये मास फिक्स है? नहीं, एक जगह नहीं है। यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स आ जाए, 28 लाने के लिए 2 से। तो जितना आपने यहां मल्टीप्लाई किया है उतना यहां कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दोनों का मास को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फायदा यह कि सब जगह आपके पास क्या हो गया, 28। अब इस रेशियो को देखते हैं, ये रेशियो आपके पास क्या आ रहा है? क्या ये एक सिंपल रेशियो है? बिल्कुल। 16 से अगर पूरे टेबल को क्रॉस कर दिया जाए तो ये 1:2:3:4:5 क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो मैं भी यही कह रहा हूं। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड। तो क्या दो एलिमेंट ने मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए? हाँ। फिर मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद कॉन्स्टेंट ऑफ अदर, यानी मास ऑफ वन एलिमेंट रिएक्ट विद कॉन्स्टेंट मास ऑफ अदर, ये कॉन्स्टेंट मास ऑफ अदर बियर ए सिंपल रेशियो। क्या ये एक सिंपल रेशियो में आ रहा है? हाँ। 1:2:3:4:5 ये सब सिंपल रेशियो है। तो जनरली फ्रैक्शनल आ जाते हैं, जैसे 1.23459 या पाई की वैल्यू, ये एक तरह से इस तरह की वैल्यूज हमारे पास जब भी आएगी तो वो सिंपल नहीं कहलाएगी, बाकी सब सिंपल है। समझ में आ रहा है? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 1:3 भी आता तो भी सिंपल होता, 2:4 आता तो भी सिंपल होता, 2:5 आता तो भी सिंपल होता। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आती है पॉइंट में तो फिर वो सिंपल नहीं होती है, जैसे पाई आ जाता है खास तौर पे, वो सिंपल रेशियो नहीं होता। तो फिलहाल तो आपको सिंपल ही मिलेगा। अच्छा, ये कहाँ लगेगा? सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट दो होंगे कंपाउंड कितने भी हों, एलिमेंट दो ही होंगे। तो क्या यहाँ पर आपको दो ही एलिमेंट से सारे कंपाउंड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखिए, यस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ बोलो, हाँ यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ दो ही एलिमेंट है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। क्या आपको एक से ज्यादा कंपाउंड दिख रहे हैं? बोलो यस। हाँ यस, बिल्कुल सही है। एक N2O, इतने सारे दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। नाम भी जानना चाहते हो? ठीक है, नाम जानते, बताओ इसको क्या बोलोगे? नाम तो सुना होगा। हाँ बिल्कुल, नाइट, क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हाउसफुल टू। याद आ गया? सुनते ही हंसी आ जाती है। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद हम नहीं बोलते, लोअर ऑक्सीडेशन अस, हाई को इक, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बताइए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये बाकी इनके क्या नाम रखे? इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? तो आपको चलो इस बार ने याद तो हो रहा है कुछ। और ये रेशियो हो गया, तो रेशियो सिंपल रेशियो में आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह से समझ में आ गया। तो क्या ये रूल इस तरह से लगेगा, दो एलिमेंट? हाँ, ध्यान से सुनो, सीओ और CO2 के लिए लग जाएगा, बिल्कुल सही लग जाएगा। FeO और Fe2O3 के लिए लग जाएगा, बिल्कुल सही है लग जाएगा, बल्कि Fe3O4 भी लगा दोगे तो भी लगेगा। सही है, ध्यान से सुनना, Na2O और Na2O2 क्या यहाँ लग जाएगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन अगर मैंने CO2 और SO2 में लगाया तो नहीं लगेगा, कितने एलिमेंट हो गए? तीन एलिमेंट हो गए। या मैंने यहाँ पर H2SO4 लगा दिया तो भी नहीं लगेगा, H2SO4 और Na2SO4 क्या लगेगा? नहीं, तीन एलिमेंट देखते ही काट दो आप। तो पहले दो एलिमेंट और अलग अलग कंपोजिशन में आपको दिखाई देंगे, इज दैट क्लियर? क्या ये सी वाटर रिवर वाटर में लगेगा? नहीं, उसके लिए तो आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल फिक्स है, वो तो समझ में आ रहा है। तो अंतर क्या है? वो एक कंपाउंड के लिए लगता है, ये बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड के लिए लगता है, लेकिन एलिमेंट कितने हैं? दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या आ रहा है, कि अगर एलिमेंट दो से ज्यादा हो गए तो क्या लगेगा? दो से ज्यादा अगर तीन हो गए तो एक को रूल आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन तीन से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर आपके पास कोई रूल अभी तक नहीं बना है और जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर तो हमारे पास एडवांस मोल वर्जन आ गया, तो उसके बाद तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। तो तब तक हम काम कर रहे हैं, हम अगला रूल बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, जो कि रीचर ने दिया है। क्या बोल रहा है ये? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद डेफिनेट मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो इन विच दे डू सो
इज एदर द सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइंड विद ईच अदर। नहीं समझ में आ रहा, समझ लीजिए। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त, दोनों हम खड़े हुए, हमने किसी के साथ रिएक्शन किया, किसी के भी साथ किया। सपोज मैंने उसके साथ 10 के साथ किया, इसने 20 किया, तो 10 20 यानी उसका फिक्स मास रखा है, उसके फिक्स मास के लिए मेरा 10 ग्राम कंज्यूम हुआ है, इसका 20 ग्राम, तो रेशियो क्या हुआ, 1:2। हमारा इंडिविजुअली उनके साथ 1:2 उसका सेम है। अब जब हम आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम भी वही रेशियो रखने की कोशिश करेंगे। कौन सा, 1:2 या इसी का कोई मल्टीपल। 1:2 का मल्टीपल क्या होगा, 1:2 को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं किसी होल नंबर से, तो वही रेशियो होगा, या वो हो सकता है वही रेशियो हो। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 3 एलिमेंट लिए, तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले कोई भी रूल आपके लिए 3 एलिमेंट्स के लिए नहीं था, ये 3 एलिमेंट्स के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। आप वही 3 एलिमेंट ले सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हो। तो चलिए आप मेरी मदद करिए, ये कौन सा कंपाउंड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, CO2। सही है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं आप, H2। और C और H के साथ क्या बना रहे हैं, CH4। समझ में आ रहा है। किसी भी एक एलिमेंट को जो आपको पसंद हो उसको फिक्स कर दो। मुझे कार्बन फिक्स आ रहा है, कार्बन का मैंने 12 ग्राम फिक्स कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 12 ग्राम फिक्स कर दिया। तो जब कार्बन का 12 ग्राम फिक्स है तो दोनों जगह 12 ग्राम दिखना चाहिए। अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसे 12 ग्राम बनाते हम। तो बताइए यहाँ पर 12 ग्राम फिक्स करते ही आपके पास ऑक्सीजन का कितना मास आ जाएगा, 32 ग्राम, और हाइड्रोजन का यहाँ कितना आएगा 12 ग्राम इसके, जल्दी से बताइए, 4 ग्राम। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए ये रेशियो कितना है, 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहा, 8:1। इज दैट क्लियर। तो ये जो रेशियो है 8:1, तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां रेशियो देखिए, तो पहले तो ये लिख लीजिए WO/WH फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, आपने क्या निकाला, WO 8:1। बिल्कुल सही निकाला। अब जब ये खुद आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, WO/WH किस में कर रहे हैं, H2 बना रहे हैं, तब ये रेशियो क्या आ रहा है आप देखिए, O में 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है, ये 8:1। क्या ये एक दूसरे के सिंपल रेशियो में है या नहीं है, है बिल्कुल, 1:1। ये रेशियो 1:1, 1:2, 2:1, इस तरह का सिंपल रेशियो मिलेगा। ऐसा बात मैंने नहीं बताई, किसने बताई, रीचर ने, और क्या नाम दिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। तो आपने अभी तक मुझसे 3 रूल्स पढ़ चुके हैं, नहीं 4 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन याद करिए, फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, फिर आपने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप ही बताइए कौन सा एग्जाम्पल आप पसंद करेंगे यहां पर इसके लिए। कोई भी 3 एलिमेंट ले लो जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हो, लेकिन जैसे एग्जाम्पल क्या लेना चाहोगे, कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी आपस में रिएक्शंस करते हैं। चलिए ठीक है, इन दोनों से बनने वाला कोई भी एक कंपाउंड बोल दो रैंडमली, H2S, इन दोनों से बनने वाला SO2, इन दोनों से बनने वाला H2O। अब कोई को भी एक को हीरो बना लो, मैं जनरली हाइड्रोजन को हीरो बना लेता हूँ। तो हाइड्रोजन का मैंने फिक्स मास रख दिया, फिक्स कितना रखा आपने, 2 ग्राम। तो बताइए सल्फर कितना हो जाएगा इस जगह, 32, और ऑक्सीजन कितना होगा इसके 2 ग्राम के लिए, 16। तो इन दोनों में रेशियो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, 32:16 कितना हुआ, 2:1, बोलो यस और नो। अब ये वही रेशियो हमें यहां मिलेगा जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं या उसका
प्रोडक्ट या उसका सिंपल रेशियो मिलेगा। यहाँ कितना मिल रहा है जब ये आपस में इंड्यूसर रिएक्शन कर रहे हैं, 32:32, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1, और ये वैल्यू क्या आ गई 2/1 यानी कि 2। चलिए तो क्या ये 2/1 2 और 1/1 1 क्या ये सिंपल रेशियो में? हाँ, 2/1 2/1 एक सिंपल रेशियो है। तो इसको लिखेंगे क्या, कैसे? W S डिवाइडेड बाय W O, W S डिवाइडेड बाय W O, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या आ रहा है ये वैल्यू? 32 डिवाइडेड बाय 16, वी गेट 2। एंड अगेन डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ओ इन एसओ टू कितना मिल रहा है? 32:32, और ये हमारे को 1। क्या ये सिंपल रेशो में प्रेजेंट? बिल्कुल प्रेजेंट इन सिंपल रेशो। और सिंपल रेशो क्या है? 2:1। क्या ये एक सिंपल रेशो है? हाँ, तो ये आंसर सही है। इसका कोई न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इनको कंसेप्चुअली पढ़ लो और काम चला लो। विशेष सूचना, देखिए ध्यान से, हमने जो रूल पढ़े हैं अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा है, अगर हम इनमें कोई भी ऐसा काम कर जाएं जिसमें हमने आइसोटॉप ले लिया यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, तो हमें एक्सेप्शन मिल जाएंगे। यानी कोई भी रूल हमारे आइसोटॉप्स के लिए नहीं लगेगा, भले वो आपका मल्टीपल कंपोजिशंस रूल हो या फिर आपका डेफिनेट प्रोपोर्शनल हो या ये भी हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये की पॉइंट आप लिखेंगे, क्या की पॉइंट रहेगा आपका? ऑल अबाउ रूल, ऑल अबाउ रूल नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इन प्रेजेंस या इन प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, इन प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स, लिखें इसको। देखिए, जब हमने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, डेफिनेट प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, मल्टीपल प्रोपोर्शनल, तो हमें लगा कि कोई ऐसा रूल लगे जो अब हमारे लिए गैसेस के लिए आए, यानी अलग अलग कंपाउंड्स हो, कोई भी हो, कितने ही एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी समय एक और रूल आया जिसका नाम था गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये नाम से पता चल रहा है, कंबाइनिंग वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के लिए लगेगा। तो यहाँ क्या बोलता है ये बोलता है, पहले एक बार रीड करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन टू और मोर गैसेस रिएक्ट विद वन अनादर, देयर वॉल्यूम बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनादर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ दे आर गैसेस, प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ कोई भी गैस है, मान लीजिए कोई भी गैस है, ये ए गैस है और यहाँ बी गैस है, सी बी गैस है प्रोडक्ट अगर है तो, और डी बी गैस है लेकिन ई गैस नहीं है, समझ में आ रहा है? तो जो गैस नहीं है उसके लिए तो लगेगा ही नहीं रूल, आ रही है बात समझ में? अब ये रूल क्या लग रहा है, ये सब गैसेस है तो जो गैसेस है उनके लिए रूल लगेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी गैसेस रिएक्टेंट है वो आपस में एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे, यानी ये 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, और जो वो रेशियो होगा ना, देखा जाए तो वो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आगे आप देखते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट, उन्हीं के रेशियो में होगा। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ अगर जो भी वॉल्यूम है वी ए वी बी वी सी और वी डी, यानी यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है आपके पास प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन है सब गैस, तो इनका एक रेशियो होगा और वो आपस में सिंपल रेशियो होगा। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1:2:3:4, तो एक तरह से ये वही रेशियो होगा जो इनके स्ट्रेचोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग कोफिशिएंट का है। तो इसको उसने किससे एग्जाम्पल लिया था, N2+H2 फॉर्म्स अमोनिया। देखिए कहना आसान है कि
हम बैलेंस जानते हैं, लेकिन उस समय हम अमोनिया को सिर्फ अमोनिया लिखते थे, NH3 नहीं, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखते थे HY करके, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन लिखते थे, हमें नहीं मालूम था कॉफिशेंट क्या है, उस समय की बात है ये। तो उसने कहा इसका V वॉल्यूम कंज्यूम होता है, इसका 3V कंज्यूम होता है और इसका 2V प्रोड्यूस होता है। तो बताइए क्या हमारे पास ये रेशियो 1:3:2 इस तरह का आ रहा है? हाँ। तो उस वक्त ये बोलना आसान था कि जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती है तो उनके रेशियो आपस में सिंपल रेशियो होते हैं, ना कि फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है। एक तो बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरा पॉइंट, बाद में जाके हमें पता चला भाई ये जो रेशियो, जिन रेशियो में वो आपस में रिएक्ट करते हैं वही रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का भी होता है, तो 1:3:2। तो अब इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय तो थी जब हम बैलेंसिंग नहीं जानते थे। तो हमारे पास ये हो गया, या H2+Cl2, और ये आपके पास ट्राइस HCl गैस बना रहे हैं, सपोज ये भी गैस है ये भी गैस है, तो बताइए किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे? 1:1:1, और ये किस रेशियो में होगा? 2। बस गैस होना चाहिए, लिक्विड होते ही मैंने काट दिया, यहाँ लिक्विड था काट दिया, सॉलिड होता तो भी क्रॉस करता। तो आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ गैलुसेक्स वॉल्यूम्स, तो इसको लिखिए, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अब बात आएंगी, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अब मोल पे हम बस बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ मोल आने लग गया, तो जब मोल आ गया है तो फिर हमें और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे ये बात समझ में, तो इनको पढ़िए, बस इनमें कंसेप्चुअली समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।